नमस्ते बच्चों, मैं गिरिजा मैथिली हिंदी अध्यापिका अपा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपको एक कोयल कविता पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, तो बच्चों, आपको कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बच्चों, क्या आपने पक्षियों को देखा है? देखा है ना? हाँ, उनकी आवाज भी सुनी है, पक्षियों को भी देखा भी है। तो बच्चों, अभी मैं आपको एक आवाज सुनाती हूँ, तो बता देना है आपको कि ये किस पक्षी का आवाज है। चलिए बताओ, किस पक्षी का आवाज है? हाँ, आप जान चुके हैं ना, इस पक्षी का नाम है कौवा। क्या है? कौवा। अभी दूसरा पक्षी का आपको आवाज सुना देती हूँ। बोलो, अभी किस पक्षी का है? हाँ, आपने तो हमेशा सुना है ना, इसकी आवाज भी मधुर है ना। क्या है इस पक्षी का नाम? कोयल। बच्चों, आज हम क्या करेंगे, कोयल पक्षी का बारे में हम कविता पढ़ेंगे। तो आज का हमारा कविता का नाम है कोयल। क्या है? कोयल। इस कविता का कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, आज मैं इस कविता में आपको आपके लिए दिए हुए पाठ्य पुस्तक में काम और कठिन शब्दों के अर्थ और इस कविता में आए हुए पात्र का परिचय भी कराती हूँ। ओके, चलिए पहला मैं आपको ये जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में आपके लिए दिया हुआ काम क्या है? बच्चों, आप तो पक्षियों को देखा भी है, उनका नाम भी पता है, तो आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ चर्चा करके किसी भी कौन से भी कोई भी पांच पक्षियों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। क्या करना है? पांच पक्षियों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, इसके बाद बच्चों, इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हम पढ़ेंगे। बच्चों, आज का हमारा कविता का नाम पता है ना, कोयल। अभी शब्दार्थ, चलिए। प्यासी, प्यासी का मतलब पानी पीने की इच्छा होना, थर्स्टी। यानी बच्चों, आप जब बाहर खेलने जाते हो तो खेल कर जब घर आते हो तो आपको क्या होता है, प्यास लगती है ना, पानी पीने को मन करता है ना, तो आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ऐसे ही प्यासी का मतलब क्या होता है, पानी पीने की इच्छा होना, यानी थर्स्टी। अभी धरती, धरती यानी जमीन, पता है ना जमीन, क्या बोलते हैं कन्नड़ में, भूमि। और मेघ, मेघ यानी बादल, क्लाउड। मेघ, जब बादल को आप देखते हैं तो आपको क्या संदेशा मिलती है, हाँ अभी बारिश होने वाली है ना, हाँ, तो मेघ का मतलब है बादल। अभी है मिठास, यानी एक स्वाद, टेस्ट। बच्चों, अभी हम शब्दार्थ के बारे में हम पढ़ चुके। अभी इस कविता में आपको मैं बताती हूँ, ये जो चित्र जो है आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, चित्र देखने के बाद आपको लग रहा है एक लड़का खड़ा है और एक कोयल है और एक बड़ा सा पेड़ है, आपको आम दिख रहा है, सही बात है। बच्चों, ये जो पेड़ है, इस पेड़ में जो यहाँ पे जो डाली है, ये जो डाली, डाली का मतलब शाखा, तो यहाँ पे क्या बैठा है, कोयल। कोयल दिखने में कैसे है, दिखने में तो काली है, पर उसकी आवाज कैसी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मिठास। और ये जो आपको दिख रहे हैं, हाँ कितने अच्छे अच्छे आम है ना, हाँ, ये जो लड़का है, ये क्या है, ये कौन है, लड़का है। लड़का क्या कर रहा है, कोयल को देखा है, खुशी से उसके तरफ हाथ करके कुछ पूछना चाहता है ना। एक और बात बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, ये जो कोयल है, देखने में तो काली है, इसकी आवाज तो बहुत मधुर है, बहुत मीठा है। तो बच्चों, ये जो आम है, आप जो आम पसंद करते हो खाने को, तो आम मीठा कैसा होता है? बच्चों, ये जो कोयल है, जब वो गाना गाती है, जो अपनी मिठास निकालती है, कूक कूक कर जब मिठास निकालती है, वो जो मिठास है, वो जो मिठास जो है इन आमों में भर देती है, तो इसलिए आम कैसे होते हैं, बहुत ही मीठा होता है ना। जब मैं आम की बात बताती हूँ तो आपके मुंह में पानी आया होगा ना,
हाँ आम सबका है, तो आम को बोलते हैं ना राजा, फलों की राजा बोलते हैं ना। हाँ तो बच्चों आज हम कविता की ओर चलते हैं। हमारे कविता का नाम क्या है? कोयल। इस कविता का कवयित्री का नाम क्या है? क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों कोयल की, आप कोयल पक्षी को देखा भी है, उसको पहचाना भी है। अब कोयल शुरू करने से पहले एक और बार हम क्या करेंगे, इस कविता का आवाज एक और बार सुनेंगे। तैयार है आप कविता कोयल की आवाज सुनने के लिए? चलिए मैं आपको कविता का आवाज कोयल की आवाज सुना देती हूँ। देखो है ना कितना मधुर सुना है ना। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कोयल की आवाज, बहुत मन को खुशी मिलती है जब ऐसी कोयल की आवाज हम सुनते हैं। तो चलिए बच्चों अभी मैं कविता को शुरू करती हूँ। बच्चों ये हमारी कोयल कविता का कवयित्री का नाम मैंने आपको बता चुकी हूँ, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है एक फ्रीडम फाइटर थी। बच्चों ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के द्वारा यानी इस कविता के माध्यम से हम लोगों को समझाया है कि मीठी बोली का महत्व, मीठी बोली को अमृत के समान इन्होंने माना है। तो बच्चों ये जो कोयल कविता है प्रस्तुत, ये जो बहुत ही लोकप्रिय रचना है ना, जिसमें ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। तो बच्चों आइए हम इन सुंदर कविता का आनंद लेते हुए और जीवन में मीठी बोली का महत्व जानने का प्रयास हम करते हैं। शुरू करेंगे कविता? हाँ तो बच्चों ये जो मैं कविता कोयल की जो सांझा पैरा जो मैं पढ़ती रहती हूँ, आपको भी जब मैं पढ़ती हूँ तो आपको कविता को देखना है, जहां वहां पे हाथ रख के देखना है। ओके रेडी, कविता शुरू करती हूँ। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद जब फिर इस डाली पर आई हो। देखो ये जो लड़का है बहुत ही होशियार है, वो क्या कर रहा है, कोयल को पूछता है, कोयल संदेशा, संदेशा मतलब मैसेज, समाचार, कुछ अच्छी खबर है ना। बच्चों आपको तो पता है कि पक्षी हो या कोयल, सभी पक्षी क्या करते हैं, एक जगह जो है बैठते नहीं है। आपको पता है इस डाली से उस डाली पर, इस पेड़ से उस पेड़ से उस पेड़ पर उड़ते ही रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो कोयल है ऐसे ही किया है कि इधर उधर इस डाली से उस डाली, इस पेड़ से उस पेड़ से उड़ उड़कर बहुत दिनों के बाद इस पेड़ पर आके पेड़ की डाली पर आके बैठी है। ये जो लड़का है उसे पूछता है कोयल, सच सच बोलना मुझे कि बहुत दिनों के बाद जब इस डाली पर आके बैठी हो तो हमारे लिए कुछ तो अच्छी खबर लाई हो, हमारे लिए कुछ तो अच्छी संदेशा लाई हो। तो बताओ कोयल, मैं सुनने के लिए इच्छुक हूँ, तो बताओ जल्दी क्या संदेशा लाई हो। ऐसा करके ये जो लड़का है उस कोयल से पूछ रहा है। अभी आगे, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। देखो ये जो लड़का है ना, लड़के के पास बहुत सारे प्रश्न है, तो वो क्या कर रहा है, एक-एक करके उस कोयल को पूछ रहा है। अभी पूछ रहा है कोयल, तुम जो इतनी सुंदर गाती हो, तुम्हारी आवाज में जो इतनी मिठास है, गाना गा रही हो तो किसके लिए गाती हो और क्यों गाती हो, बताओ कोयल रानी बताओ। और बोलता है लड़का जो उसकी समझ में आया, बच्चों प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। देखो ये जो लड़का के जो मन में आया वो बोल रहा है प्यासी धरती यानी कि बच्चों धर्मी गर्मी के दिनों में हमारी जो धरती है कैसा रहती है, सब तरफ सूखा सूखा रहता है, हर हरा भरा नहीं दिखता है, कहीं भी देखो कभी भी देखो क्या होता है, हर तरफ सूखा सूखा जमीन, देखो पेड़ सब सूखे हुए नजर आते हैं। तो जमीन जब प्यासी धरती यानी जमीन को भी प्यास लगती है, धरती को भी प्यास लगती है ना बच्चों। तो ये जो लड़का पूछ रहा है कोयल रानी,
ये जो हमारे वैसी धरती है और हमारी जो ये पशु प्राणियों के लिए आप मेघों से पानी मांग रही हो क्या? इन सबकी प्यास बुझाने के लिए तुम मेघों से पानी मांग रही हो क्या? ऐसे वो प्रश्न पूछ रहा है। अभी आगे, कोयल यह मिठास यह क्या तुमने अपनी माँ से पाई? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? देखो बच्चों, सही बात है, जो भी अच्छी बात है वो सब माँ ने ही सिखाती है ना बच्चों। बच्चों के लिए तो घर ही पहला पाठशाला होता है और माँ ही बच्चों के लिए पहला गुरु होती है, ये तो आप सब जानते हैं है ना बच्चों। यहाँ पर भी क्या हुआ है, आप जब आपको जो भी गलत काम कर रहे, नहीं ये गलत है, आपको ऐसा करना है वैसा करना है, जो अच्छी बात आपको घर से ही मिलती है वो भी अपनी माँ से है ना, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये भी लड़का को भी उसकी माँ ने ही सिखाया है। सही बात है कि हर बच्चों को अपनी माँ ही अच्छी बात सिखाती है, इसको ये बच्चे को भी ये लड़का को भी पता है। तो इसलिए जो कोयल रानी को पूछ रहा है, कोयल रानी तुम जो ये मीठे मीठे बात करती हो है ना, ये सब तुमको तुम्हारी माँ ने ही सिखाया है ना, बताओ तुम्हारी माँ ने ही सिखाया ना, ऐसे वो पूछता है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। सही बात है, मैं फिर से वही बात बताती हूँ बच्चों। जब आप पैदा होते हो, छोटे से रहते हो, 1 साल के रहते हो, जब आपको चलना नहीं आता है और आपको बात करना नहीं आता है तो यह सब कौन करते हैं? अपनी माँ करती है ना। तो माँ को हम भगवान मानते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको चलना सिखाया, हाथ पकड़ कर आपको चलना सिखाया, और जो बात करते हो शुरू शुरू में आप लोग कैसे बात करते हो, तोतले तोतले बात करते हैं, तो माँ उसमें भी खुशी ढूंढती है, सही बात है ना। तो आपको बात करना माँ ने सिखाया और हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, तो सही बात है कि हर बच्चों को माँ ने ही यह सब सिखाता है, सिखाती है ना। तो यहाँ पर ये लड़का जो है उसके मन में बहुत सारे प्रश्न है, तो क्या कर रहा है, एक एक करके उस कोयल से पूछ रहा है, कोयल रानी कभी तुम इस डाल पे बैठती हो तो कभी इस डाल पे बैठती हो, कभी दूसरे पेड़ पर रहती हो उधर उधर, तो यहाँ सब आपको उड़ने का और अच्छे अच्छे गाना गाने का और ये जो मीठी मीठी बात करते हो यह सब तुमको तुम्हारी माँ सिखाई है ना, ऐसे प्रश्न की तरह उसे पूछ रहा है, तुम्हारी माँ सिखाई है ना, पूछ रहा है। अभी आगे, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, भली भली यानी अच्छी, सदा सदा यानी हमेशा, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। देखो कितनी अच्छी बात कही, देखो ये जो है हर बच्चे ना माँ की बात मानते हैं फिर भी है ना। तो ये लड़का जो है कोयल से पूछ रहा है, कोयल तुम हमेशा सदा अपनी बात मानी हो, कौन सी वाली बात? भाई अभी अपने माँ भी बोलते हैं बच्चों ये नहीं करना बेटा, वो करना है, वो ये अच्छा है आपके लिए, ये अच्छा है। वैसे ही जो कोयल को भी उसकी माँ ने अच्छी अच्छी बात बताई थी, और गाना गाने की कैसे बात करते हैं सबसे, सबके साथ मीठी मीठी बात करना, गाना करना, इस पेड़ से उधर उस पेड़ को उड़ना, ये सब किसने सिखाया था? यह सब कोयल की माँ कोयल को सिखाई थी है ना। तुम भली हो, क्यों भली हो? माँ की बात मानी हो है ना। जब माँ की बात बच्चे मानते हैं वो सब सब लोगों के राजकुमारी राजकुमार बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तुम सबके साथ अच्छे रहते हो, मीठी मीठी बात करते हो, अच्छा अच्छा गाना गाते हो, इसलिए तुम्हें क्या कहते हैं, सब चिड़ियों की रानी है ना बच्चों। कितनी अच्छी कहा है ना ये लड़का, सब चिड़ियों की रानी कौन है? हमारी कोयल रानी। तो बच्चों आपको इस कविता से क्या सीख मिली होगी? मैं बोलती हूँ आपको इस कविता से सीख मिली है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना है और सबके साथ मीठी मीठी बोलना है ना, और बड़ों का बात सुनना है, बड़ों का कहना मानना है, और आपकी माँ की बात सुनना है, सही बात है ना बच्चों। हाँ तो मैं क्या बोलती हूँ, इस कोयल रानी की तरह जब वो अपनी माँ की बात मानकर जब सब चिड़ियों की रानी बन चुकी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपनी माँ पिता का बात मानकर
अपने घर में राजकुमारी या राजकुमार बन सकते हैं, है ना बच्चों? कितना अच्छा कहानी है ना? कोयल के बारे में आप जान चुके हैं ना? तो बच्चों यह जो कविता है आपको कंठ पाठ करना है, कंठ पाठ करके मुझे बोलना है, बिना देखे बोलना है। हाँ मिस ने कहा है मुझे अभी कंठ पाठ करना है, तो बुक देखे पढ़ के मुझे भेजना नहीं, वैसा नहीं है, आपको बिना देखे ये आपको बोलने को आना चाहिए। तो आपको इस कविता को कंठ पाठ करना है, ओके? करोगे ना बच्चों? ठीक है, अब कैसा लगा आपको आज का इस कोयल कविता? अच्छी लगी? ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।